वेलकम बैक टू अवर चैनल अकॉर नॉलेज दिस इज शागृति सो फ्रेंड्स इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ लेबर सो यहाँ पे देखेंगे कि हाउ आर नर्स मैनेजेस द लेबर प्रोसेस जो प्रेगनेंट मदर होती है जैसे जैसे रियल लेबर प्रोसेस में आती है तो वॉट आर द वॉट आर द स्टेप्स फॉलोड बाई अर नर्स ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस सो हाउ अ नर्स मैनेजेस द लेबर प्रोसेस सो दैट सी Management of labor. In the first stage of labor, uh, first stage of uh, labor, what are the steps followed by a nurse uh, during labor process? So, in the first stage of labor, uh, that is first stage, begin uh, from the uh, uh, from the true labor pain and end with the full dilatation of cervix. So, uh, during first stage of labor, uh, a nurse to have psychological support and emotional support provided. टू द प्रेगनेंटर मदर बिकॉज जैसे जैसे क्या होता है कि वॉट हैपन स्टार्ट एज अ लेबर प्रोसेस गेट्स क्लोजर टू इट अ प्रेगनेंट मदर बरी इज अलॉट सो टू प्रिवेंट अदर फ्रॉम एन्जाइटी देन अ नर्स प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट टू सेव फ्रॉम एंगजाइटी सो यहाँ पे क्या करना है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड इमोशनल सपोर्ट देना है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर डेंजर uh, एंड uh, जो पेन का फियर होता है उससे प्रिवेंट करने के लिए एंड नेक्स्ट जो uh, होता है मैक्सिमम सुपरविज़न एंड मिनिमम एक्शन क्या करना है ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर मैक्सिमम सुपरविज़न रखना है मींस ऑब्जर्वेशन ज़्यादा रखना है सुपरविज़न ज़्यादा रखना है एंड एक्शन वहाँ पे कम लेना है एंड नेक्स्ट एफ एच आर जो फीटल हार्ट रेट होता है सुड बी असिस्ट इन एवरी थर्टी मिनट्स सो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेवर जो होता है एफ एच आर जो चेक किया जाता है इन विद इन फिफ्टीन मिनट्स सो पोजिशन क्या रखनी होती है वेन मेम्ब्रेन इज़ इंटैक्ट जब मेम्ब्रेन क्या होती है मेम्ब्रेन इज़ इंटैक्ट इंटैक्ट मीन्स अनइम्पेयर्ड होती है देन क्या करना है पेशेंट को क्या करना है एम्बुलेट कराना है मीन्स पैसेंट को मोमेंट्स कर मोमेंट कराना है तो क्या करना है कि वन um, रपचर्ड uh, जब मैमब्रेन रपच्चर होती है लेफ्ट लेटर पोजिशन एंड अलाउड टू स्लिप लेफ्ट लेटर पोजिशन देनी है एंड अलाउड टू स्लिप सो ये रहा हम लोग का फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो कि जो स्टेप्स होते हैं जो कि uh, एक नर्स के द्वारा जो है फॉलो किए जाते हैं सो लेट सी सेकेंड स्टेज इस्टेज मैनेजमेंट ऑफ लेवर सो इन द सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर वॉट आर द स्टेप्स शुड बी फॉलोड बाई द नर्स

एंड नेक्स्ट इंक्रेज द मदर बियरिंग डाउन इफर्ट ऐज कॉन्ट्रेक्शन में क्या करना है कि मदर को इंक्रेज करना है कि वो बियरिंग डाउन एफर्ट ले विद इन ऐज कॉन्ट्रेक्शन सो इस टाइप से देखा सेकेंड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ लेबर सो लेट सी थर्ड स्टेज मैनेजमेंट ऑफ लेबर सो वट आर द स्टेप्स टू बी फॉलो बाई द नर्स सो एग्ज़ाम इन द प्रेजेंटा थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज जो होती है वो बिगन होती है फ्राम द एक्सपलसन ऑफ द फीटर्स एंड इंड विद द एक्सपेसन ऑफ द पेसेंटा सो उस uh, जो स्टेज में जो नॉल्स होती है क्या कौन कौन के स्टेप्स को फॉलो करती है सो एग्ज़ाम इन द पेजेंटा फर्स्टली क्या करना है पैसेंटा जो एक्सपेल आउट हो गया उसको क्या करना है एग्जामिन करना है उसमें क्या होना चाहिए फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन दैट इज़ फिफ्टीन टू ट्वेंटी नाइन का टिलोडॉन्स होना चाहिए दैट इज़ नॉर्मल एंड इफ़ uh, कॉडिलोडन्स जो काउंट कॉडिलोड कॉडिलोड का क्या करना है काउंट करना है इफ़ कॉडिलोड लेस दैन ट्वेंटी नाइन अगर कॉडिलोड uh, जो होते हैं वो लेस दैन ट्वेंटी नाइन है देन प्लेसेंटर जो है प्लेसेंटर सो इफ रिटर्न प्लेसेंटर दैन कॉज सेकेंडरी पी पी एच अगर प्लेसेंटर रह जाता है uh, तो क्या करता है वो पी पी एच कॉज करता है दैट इज पोस्ट हेमरेज सो असेसमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्लेसेंटा का क्या अस करना है कि सडनली इंक्रीज द लेंथ ऑफ आउटसाइड एम्बेल कोड एंड सेकेंड इज सडनली एक्सपेयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑफ ब्लड एंड थर्ड इज़ स्लाइटली इंक्रीज दर फंडल हाइट एंड इफ प्लेसेंटा इज नॉट सेपरेटेड देन मैनेज टू टाइप्स अगर प्लेसेंटा जो होता है सेपरेट नहीं हुआ है तो टू टाइप्स मैनेज कर सकते हैं देट इज़ एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट एंड एक्टिव मैनेजमेंट सो लेट सी वॉट द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेड एंड एक्टिव सो टा इज नॉट सेपरेटेड अगर पैसेंटा डि सेपरेट नहीं हुआ है देन मैनेज वाई एक्सपेक्टेड एंड एक्टिव मैनेजमेंट सो एक्सपेक्टेड इन द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट सेपरेशन ऑफ इफ पेसेंट इज सेपरेटेड देन फाइव टेन आई वी ऑक्सीटोसिन आई एम शुड वी गिवन देन वेट उसके उसके बाद क्या करना है आफ्टर दैट कंट्रोल कॉड ट्रैक्शन एंड नेक्स्ट एक्टिव मैनेजमेंट इन द एक्टिव मैनेजमेंट पैसेंट आर नॉट सेपरेटेड अगर प्लेसेंटर सेपरेट नहीं हुआ है देन टेन इंडियन यूनिट ऑक्सीटोसिन गिवन ऑक्सीटोसिन देंगे टेन इंडियन यूनिट एंड देन वेट वेट करना है देन फेल कॉन्ट्रेक्सेंस अगर कॉन्ट्रैक्शन फेल हो रहा है देन मैनुअल रिमूवल अंडर जर्नल एनेस्थीसिया तब क्या करना है कि मैनुअली रिमूव करना है अंडर द जर्नल जर्नल एनेस्थीसिया दैट इज़ थियोफेंटॉन सोडियम जो कि वार्बी होता है एंड जनरल अनस्थीसिया के अंडर जो है मैनुअल रिमूव किया जाता है प्रेजेंटा को सो इस टाइप से देखा हम लोगों ने थर्ड स्टेज ऑफ मैनेजमेंट सो हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड मैनेजमेंट ऑफ लेबर सो इफ़ यू रियली हेल्पफुल दिस वीडियो फॉर यू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो यू कैन कमेंट ऑन दिस वीडियो सो थैंक यू